हाय एवरीवन, आई एम एलके वासवानी। कैसे हैं आप सब? आज मैं विंटर स्पेशल एक और रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वो है कैरोट पिकल, गाजर का अचार या आरी। तो चलो रेसिपी से स्टार्ट करते हैं। 1 kg कैरेट या गाजर। सबसे पहले हम कैरेट को पील करेंगे। इसी तरह बाकी सब कैरेट को हम पील करेंगे। मैंने सब कैरेट को पील कर दिया है। इन सबको अच्छे से वॉश करके हम इनके पीसेस बनाएंगे। ये देखें, इस तरह से हम कैरेट को लंबाई में काटेंगे। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे आने वाली नई रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी तरीके से हम सारे कैरेट के पीसेस कर लेंगे। ये देखें, कैरेट के सारे पीसेस कर लिए हैं। अब इसमें 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून टर्मरिक या हल्दी डालकर इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। इनको अच्छे से मिला लिया है। अब इसे कवर करके 3 से 4 घंटे हम इसको ऐसे ही रखेंगे। 3 घंटे के बाद मैंने इसे एक स्ट्रेनर में ऐसे डाल दिया था। ये देखें, इस तरह से पानी इसका सारा निकल आएगा। नमक वाला पानी सारा निकल गया। अब हम इसे एक कपड़े पे फैलाएंगे। ये देखें, इसको ऐसे इस तरह से फैलाकर हम 2-3 घंटे ऐसे ही रहने देंगे ताकि अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी रह गया हो तो वो भी निकल जाए। 3 घंटे हो गए हैं और ये ड्राई हो गए हैं। अब इन्हें एक बर्तन में निकालेंगे। ये देखें, बर्तन में निकाल दिया है। अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। 2 टेबल स्पून क्रश्ड क्यूमन सीड, 2 टेबल स्पून मस्टर्ड सीड जिसको मैंने दरदरा सा कूट लिया है वो डालेंगे। अब इसमें 2 टेबल स्पून रेड चिली, 1 टीस्पून सॉल्ट, 10 पीस क्रश्ड गार्लिक क्लोव्स, 10 पीस अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हाफ कप मस्टर्ड ऑयल या सरसों का तेल जिसको मैंने गर्म करके ठंडा कर लिया था वो डालेंगे। अब इसमें 2 टेबल स्पून विनेगर या सिरका डालेंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें, अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे एक जार में डालेंगे। अब इसे कवर करके 3-4 दिन बाहर रखेंगे। अब ये रेडी है। मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है तो इसलिए मैं फ्रिज में इसको स्टोर करूँगी। इस अचार को आप पूरी, पराठा, चपाती के साथ खा सकते हो। अगर आपको ये
कैरोट पिकल या गाजर के अचार की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।